तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और तो बस मेरी पैकिंग हो चुकी है। अब रात के कुछ कितने बजे में भी 11 बज रहे रात के। अब मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको बताऊंगी, और किसके साथ जा रही हूँ तो देखते रहिए। और हम लोग कल सुबह निकलेंगे, रात में नहीं। तो मैं रात में सोची वहीं जाके रह जाऊँगी सुबह, ताकि मुझे लेट ना हो यहाँ से निकलना। तो मैंने बोला चलो अभी से निकल जाती हूँ मैं, तो वहाँ जाने का मिलती मैं आप लोगों से। और हाँ, उतना टाइम में मैंने जाने के लिए खाना भी बनाया, मैंने जैसे कि मटन बनाया, खीमा बनाया, रोटी बनाई, सब्जी बनाई, मूंग मतलब ट्रैवलिंग के लिए कुछ अलग सा चटपटा। तो ये सारी चीज़ों की तैयारी भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अभी निकलती हूँ यहाँ से और वहाँ जाके आपसे मिलती हूँ। तो जैसे कि मैं रात में यहाँ आ चुकी थी, जैसे मैं आप लोगों को बोली थी मैं यहाँ आऊँगी और मैं बताऊँगी मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन बहुत लेट हो गया था मुझे और हम लोग इतना थक गए थे, बस आए और खाना खाए और सो गए, तो उतना टाइम मुझे नहीं मिला बताने आप लोगों को। तो बस अब हम सो के उठे सुबह 5 बजे, अब बज रहे कुछ 5:30 हो रहे, और नमाज हो रही हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अभी निकलने की तैयारी है, पैकिंग हो गई सब खाने की, और बस अभी निकलेंगे, सफ़र शुरू है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। बस अच्छे से हो जाए सफ़र, और फिर वहाँ पहुँचने का तो बताऊँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये मैं अपने आई अपने भाई भाभी के घर पे, हम सब साथ में जा रहे हैं, और बस दुआ कीजिए खैर खुबी से हम पहुँच जाए, सफ़र हमारा आसान हो, अल्लाह के हिफ्ज़ में हो। ठीक है, मिलती हूँ मैं आपको सफ़र में। देखिए मेरे भाई के साथ आज हम लोग निकल रहे हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम। तो हम लोग वहाँ जाके बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग निकल चुके हैं, बस 10 मिनट की दूरी से हम लोग घर से हम लोग निकल चुके हैं, 10 मिनट की दूरी से हम लोग अभी है, और दुआ कीजिए कि खैर खुशी से हम लोग पहुँच जाए, अल्लाह के गुमान में रहे। तो बस मैं आपको रस्ते के ब्लॉग बताते रहूँगी, रस्ते के सीनरी बताते रहूँगी, है ना मसूद, अच्छे अच्छे लोकेशन दिखाते रहूँगी, आपको शेयर करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र शुरू हो चुका है, दुआ की गुजारिश है, तो आप दुआ करेंगे जब तक इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। और यकीन मानिए, मुझे तो यकीन है इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, और बाकी हमारे साथ है इंशाल्लाह मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और सुबह सुबह का माहौल इतना अच्छा लगता है, सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा, पौने 7 बज रहे हैं, 6:45, बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा, काफ़ी वक्त के बाद ऐसा निकलना हुआ, तो देखते हैं। यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं वाशी, वाशी में हम लोग रुके हैं, बस स्टेशन के पास में ही है, बताती हूँ स्टेशन आप लोग। ये देखिए वाशी स्टेशन है, सारी दुकानें सुबह सुबह बंद है, सुबह सुबह हम लोग ये खा रहे हैं पोवा, तो गरम गरम भैया जी बना रहे हैं, बस ये खा के मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ये देखिए, ये बताओ हाजी, ये रहा पोवा, देखो मस्त सजा के दिए भैया ने, बता दिया आपको टेस्ट। पोवा खाने बहुत मज़ेदार है, यहाँ वैक्सीन स्टैंड उसको लेकर आती है भैया। हम लोग ने पोवा खा चुके थे, मैंने टाइप कर लिया एक नंबर का, और उन्होंने बोले साबुदाना भी ट्राई करो, तो वो भी हमने ट्राई, खिचड़ी है साबुदाना, खिचड़ी साबुदाना, खिचड़ी ग्राउंड नट है, साबुदाना है, हल्का सा चीनी और छोटे छोटे कोफ्ते, तो इतना बता दी मैं आपको, टेस्ट करती हूँ, नो वर्ड्स, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, मतलब मज़ा भी मज़ा, मतलब जो वेज नहीं खाता बोलते ना, नहीं खाते नहीं यार, वो इंसान वो खाएगा, खाते जाएगा खाते हैं, तो आप लोग जब भी आओगे तो ट्राई करना वाशी स्टेशन के पास। तो यहाँ हम लोग एक जगह रुके हैं, वेलकम रेस्टोरेंट है, तो यहाँ थोड़ा सा वॉशरूम जाने, फ्रेश होने के वास्ते थोड़ी चाय पीएंगे। अब धूप स्टार्ट हो चुकी है, जब तक ठंडा था बहुत अच्छा लग रहा था, अब धूप स्टार्ट हो गई है, इसलिए कवर करके ये पूरा दिख गया सब, और मास्क तो पहन के ही निकलना, वो हमारे लिए सेफ्टी देगी। ये देखो मलाई पान, कुछ न्यू देखने मिला, अब इसको खा के देखते हैं कैसा है, पता नहीं मैं तो नहीं खाऊंगी, इतना मीठा मीठा कौन खाएगा मलाई पान। मामी पान।
पानी की बॉटल का। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए, अभी एक जगह हम लोग को मिली अच्छी, आप देख सकते हैं। ये देखिए मेरा भाई छोटा सा हैंडसम शाहरुख खान। यहाँ हम लोग खाना खाने के लिए रुके, भी खाना क्या नाश्ता आपने नाश्ता कर रहे हम लोग, क्योंकि हम लोग एक जगह आप लोग ने देखा। दीदी मैं बोलूंगा, दीदी मैं बोलिए बोलिए। एक्चुअली 11 बज चुके हैं और हम लोगों को एक खूबसूरत जगह नहीं मिली, अगर आप देख लेंगे आसपास बहुत ही खूबसूरत है। इस वक्त हम मांडवा में और बहुत ही खूबसूरत जगह है। मांडवा अग्निपथ में था क्या डायलॉग मांडवा यार? कुछ और मत बोलना। तो हम लोग यहाँ पहुंच चुके, अब हमारा होगा ब्रेकफास्ट। 11 बज चुके, लेट हो चुका, लेकिन हम लोग ने हल्का फुल्का खाया था जैसे आपने देखा। हाँ मॉर्निंग में, मॉर्निंग में 9 o'clock, इट्स 8 o'clock, 8 o'clock का टाइम, 8 o'clock। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ तो खाएंगे। ये चिकन कोरमा भाभी ने लेके आया, इसका पेपर निकालो, ये मूंग है, दिस इज कीमा एंड दिस इज गोश्त, आप देख सकते हैं। पेपर निकालो ना। तो फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और दीदी कुछ कहने वाली है। बस यही बोल रहा है, ब्रेकफास्ट हो चुका है, दीदी के लिए केक आ चुका है और दीदी खाएगी केक, मैं दीदी को अपने हाथ से खिलाऊंगा। अब दीदी के साथ मैं भी खाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, बड़ा मजा आया खाने के लिए। अब हम लोग यहाँ से वापस रवाना होंगे और जहाँ जाके मैं पहुंचूंगी तब मैं बताऊंगी हम कहाँ पहुंच गई, मैं कहाँ के लिए निकली थी और कहाँ हम लोग पहुंच गए। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं हुदा। मैं तो फिर मास्क पहन लूंगी। ठीक है चलो मिलते हैं। यहाँ हम लोग रुके हैं, बस थोड़ी दूर है हम और ये एक बीच है। इतनी धूप है यहाँ, इतनी धूप के कुछ। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके, मैं कहा ये मुरुड़ आए हम लोग, है ना आदि कहा है मुरुड़ जंजीरा, जंजीरा नहीं जंजीरा। तो यहाँ आए हम लोग और मैं काफी वक्त के बाद यहाँ आई हूँ, मतलब कुछ 8-9 साल के बाद ना, 2013 में मैं आई थी। तो बहुत चेंजेस हो चुके हैं, तो मैं आपको बताऊंगी बाद में सारा लोग क्या है क्या नहीं है। तो जस्ट हम लोग अभी आ गए, फ्रेश होके आपको मिलती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत चेंजेस लग रहा है, ये झूले पे भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर पहले बोला वो स्विंग था, ये एक था और वो स्विंग था, अभी लग रहा दोनों कर दिया, दो हो गए। तो बहुत अच्छा है, मतलब छोटे छोटे बंगलोज हैं बाहर, ऐसे झूले हैं, अपना आगे का देख सकते हैं। तो बस अभी हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर खाना खाएंगे और फिर बीच में जाएंगे, और रील्स बनाएंगे। यस, आपको मिलते हैं बाद में। जैसे कि हम लोग यहाँ आ चुके हैं, देख हम खाना खा चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं और थोड़ा घूम के भी आ गए। तो बहुत अच्छा दिन था आज का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अभी रात हो गई, अब सोने की तैयारी हो रही है हमारी, और मिलती है आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपके। टिल देन लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। बाय, अल्लाह हाफिज़।